Hello everyone, this is Jyoti in front of you once again to discuss law conceptually. And in this video, I will discuss one more concept, the concept of decree, order and judgment. Ye teenon hi terms apne aap mein kaafi similar sound karte hain, but my dear friends, these are not similar. In teenon ka meaning alag hai aur in teenon mein difference hai. So aaiye is video mein hum yahi discuss karenge ki inka meaning kya hai aur inka difference kya hai. Let's move forward. Before getting into the provision, it is important to know कि ये तीनों कहाँ पर define है. ये तीनों हमें, अगर मैं decree की बात करूँ तो decree हमें define है section 2 clause 2 of CPC. अगर मैं judgment की बात करूँ तो this is given under section 2 clause 9, और अगर मैं order की बात करूँ तो this is given under section 2 clause 14 of CPC. Okay, so let's move forward. यहाँ पर इस video में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, मैंने ये यहाँ पर लिख रखा है. इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर ये करूँगी कि डिक्री का मीनिंग क्या है, फिर डिक्री जो है ऑर्डर और जजमेंट से डिफरेंट कैसे है. ठीक है, देन आई विल डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीम डिक्री. जी हाँ, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीम डिक्री ऑल्सो, तो हमको वो भी समझना होगा. और फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिक्रीज आर देयर, दिस इज़ ऑल्सो वी विल डिस्कस हियर. एंड व्हाट इज़ नॉट अ डिक्री, कि डिक्री क्या नहीं है. अगर हम डिक्री के बारे में इतना कुछ समझेंगे तो हमें ऑर्डर और जजमेंट के बारे में अपने आप समझ में आ जाएगा और इनका डिफरेंस भी हमें समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिक्री की जो है वो डेफिनेशन जो है वो लिख रखी है. डिक्री की डेफिनेशन हमें, मैंने आपको भी बताया, सेक्शन 2 क्लॉज 2 CPC में दी हुई है. एंड अकॉर्डिंग टू विच डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, राइट, विच सो फार एज रिगार्ड कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट. बस अभी इतना ही पढ़िए. तो यहाँ पर मैंने तीन टर्मिनोलॉजीज को हाईलाइट किया है. फॉर्मल एक्सप्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल एक्सप्रेशन है. फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब एक सर्टिफिकेट फॉर्म में. देखिए, जजमेंट आता है, जब भी कोर्ट एक कि कोई केस अगर आया है तो कोर्ट उस पर एविडेंसेस लेता है, उसके बाद अपना जजमेंट देता है उन एविडेंसेस के बेसिस पर. तो जजमेंट जो होता है वो बहुत डिटेल में होता है कि कोर्ट ने किस किस तरीके के एविडेंसेस पार्टीज ने ड्यूरिंग ट्रायल दिए और कोर्ट ने उन एविडेंसेस को कैसे कंसिडर किया. ठीक है, और कोर्ट कैसे अपने जजमेंट तक पहुँचा. अगर कोई पुरानी रूलिंग्स को भी कोर्ट ने कंसिडर किया है तो उनको भी जजमेंट में लिखा जाता है. विटनेसेस ने किस किस तरीके के एविडेंसेस दिए वो भी जजमेंट में लिखा जाता है. तो जजमेंट जो होता है, कोर्ट अपने उस जजमेंट तक कैसे पहुंचा, हर एक छोटी छोटी डिटेल भी जो होती है वो उस जजमेंट में इंक्लूडेड होती है. लेकिन डिक्री की अगर हम बात करें तो डिक्री क्या होती है, वो जजमेंट के बाद आती है. एंड डिक्री कम्स इन अ सर्टिफिकेट फॉर्म, जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है किस चीज़ का, एडजुडिकेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजुडिकेशन है. एडजुडिकेशन मींस दैट अ केस हैज बीन डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, मींस कोर्ट ने जो एविडेंसेस लिए हैं वो दोनों पार्टीज के लिए हैं. एंड आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंसेस ऑफ बोथ द पार्टीज, कोर्ट हैज गिवन इट्स जजमेंट. यही एक तरीका होता है, ठीक है, जजमेंट देने का. तो जब इस तरीके से कोर्ट अपने जजमेंट तक पहुंचता है तो हम उसको कहते हैं दैट द केस हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, जिसको हम एडजुडिकेशन भी कहते हैं. करेक्ट, विच सो फार एज रिगार्ड कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंक्लूसिव हियर. कंक्लूसिव हियर मींस फाइनली. कोर्ट अपनी डिक्री में फाइनली डिसाइड करता है. क्या डिसाइड करता है? राइट्स ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के राइट को डिसाइड करता है. तो डिक्री क्या है, सी हेयर आई हैव मेंशनड इट. यहाँ पर मैंने बोला फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब एक सर्टिफिकेट फॉर्म में है. देन एडजुडिकेशन मींस डिसाइडेड ऑन मेरिट्स. कंक्लूसिवली मतलब फाइनली, मींस डिक्री में कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट जो पार्टीज हैं उनके राइट को कंक्लूसिवली मतलब फाइनली डिसाइड कर रहा है. कैसे कर रहा है, मेरिट्स पर कर रहा है. और वो किस फॉर्म में है, एक सर्टिफिकेट फॉर्म में है. इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बेसिक कि डिक्री एक सर्टिफिकेट फॉर्म में होती है और वो पार्टीज के राइट्स को
फाइनली डिसाइड करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिक्री. और मैंने आपको यहाँ पर डिक्री और जजमेंट में भी डिफरेंस बता दिया है. होता एक ही है लेकिन डिक्री बाद में आती है, जजमेंट पहले आता है. जजमेंट डिटेल में होता है, डिक्री सिर्फ उसका एक सर्टिफिकेट फॉर्म में होती है. क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं कि डिक्री जो है ऑर्डर से कैसे डिफरेंट है. अब मैंने आपको जजमेंट से कैसे डिफरेंट है ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया यहाँ पर. फिर अब पॉइंट आता है कि डिक्री ऑर्डर से कैसे डिफरेंट है. सिमिलर लगते हैं हमको सुनने में बट ये सिमिलर नहीं होते. देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लेट सपोज एक सूट फाइल हुआ. सूट क्यों फाइल हुआ कि एक ए है वो ये कह रहा है दैट बी हैज डिसपोसेस्ड मी, मुझे डिसपोसेस कर दिया इसने, मुझे मेरी प्रॉपर्टी से इसने मुझे बेदखल कर दिया है, तो मुझे मेरी पोसेशन वापस दी जाए. ये इन दोनों के बीच में क्या है, इशू है जो कोर्ट को डिटरमाइन करने हैं. तो जब ये मैटर है इनके पास तो क्या होगा, कोर्ट इनके बेस इनके ऊपर क्या लेगा, एविडेंसेस लेगा. एक है, एक एविडेंसेस देगा कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस प्रॉपर्टी से मुझे बी ने बेदखल कर दिया. बी इसको डिसप्रूव करेगा, बी अपने एविडेंसेस देगा, कहेगा कि भाई नहीं मैंने इनको कोई डिस्पोसेस नहीं किया, ये प्रॉपर्टी मेरी ही है, इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पर कब्जा करके रखा हुआ है. तो दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस देंगी. जब एविडेंसेस दोनों दे देंगी तो उसके बाद क्या आता है, जजमेंट आएगा. उसके बाद यहाँ पर जजमेंट आएगा. तो और जजमेंट के बाद क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया. इसके बाद आती है डिक्री, ये डिटेल फॉर्म में होता है अभी मैंने आपको बताया, और ये उसी की सर्टिफिकेट फॉर्म होती है. नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर ऑर्डर्स. ऑर्डर्स होते हैं जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल दिए जाते हैं. ऑर्डर्स आर नॉट अपॉन द मेरिट्स ऑफ द केस. ठीक है, मेरिट्स ऑफ द केस मतलब जो एक्चुअली में इनके बीच में जो था ना डिस्पोसेशन का मैटर जो था, इसके ऊपर कोई ऑर्डर जो है, इसके ऊपर जो जजमेंट आएगा वो तो जजमेंट या डिक्री होगा. लेकिन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल अगर कुछ ऑर्डर्स दिए हैं तो उनको हम कहते हैं ऑर्डर्स. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ए ने सूट फाइल किया कि मुझे बी ने मेरी प्रॉपर्टी से डिस्पोसेस कर दिया, लेकिन बी ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया कि इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, देयर इज नो ज्यूरिसडिक्शन विद कोर्ट. ठीक है, तो अब कोर्ट बिना ज्यूरिसडिक्शन के तो अपना जजमेंट देगी नहीं ना. तो फर्स्ट व्हाट कोर्ट हैज टू डू, कोर्ट हैज टू फर्स्ट डिसाइड इट्स ज्यूरिसडिक्शन. तो कोर्ट पहले अपना ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करेगी कि मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन है भी या नहीं. अगर नहीं है तो पार्टी को जो है वो प्रॉपर कोर्ट में जाना पड़ेगा. तो कोर्ट ने पहले ज्यूरिसडिक्शन पर क्या किया, अपना एक हियरिंग किया, एंड देन द कोर्ट डिसाइडेड. या तो कोर्ट कहेगी यस आई हैव ज्यूरिसडिक्शन, या कोर्ट कहेगी नो आई डोंट हैव ज्यूरिसडिक्शन. तो ये जो यस आया और जो ये नो आया, ये क्या कहलाएंगे, विल दिस बी कॉल्ड जजमेंट और डिक्री, नो. ये ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल आया है तो ये क्या होगा, ये ऑर्डर कहलाएगा. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसने कहा कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी डिसपोसेस किया और वहाँ पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो काइंडली मुझे इंजंक्शंस ग्रांट किए जाएं और जो डिफेंडेंट है उसको उस कंस्ट्रक्शन करने से रोका जाए. क्योंकि बाय द टाइम केस डिसाइड होगा उससे पहले तो ये वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अपना कंप्लीट कर चुके होंगे. तो बेसिकली प्लेंटिफ इज आस्किंग फॉर द टेम्परेरी इंजंक्शन. तो कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शंस ग्रांट भी कर सकता है, कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शंस नहीं भी ग्रांट कर सकता है. करे या नहीं करे, द ऑर्डर हैज बीन पास ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल. और ये इंजंक्शन ग्रांट करने से ये बात मेरिट पर नहीं डिसाइड होती है कि एक्चुअली में डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोसेस किया या नहीं किया. तो टेम्परेरी इंजंक्शंस का जो ऑर्डर है दैट हैज बीन पास ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल, एंड दैट इज वाई इट विल बी कॉल्ड ओनली ऑर्डर, एंड दिस विल नॉट बी कॉल्ड द जजमेंट और द डिक्री. So the basic difference is that orders passed during the pendency of the trial and decree or judgment passed after upon the merits of the case after the taking of the evidences of both the parties. I hope this is clear to you all. So now move forward. Now what is deemed decree? There is a term deemed decree also in CPC, and we have to understand that what is deemed decree. See, for that we need to go back to the definition part. And it's saying here itself, it shall, यहाँ से देखिए, it shall
it shall be deemed to include the rejection of plaint and the determination of any question within section 144. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि rejection of plaint और जो section 144 में, section 144 is talking about the restitution. ठीक है, इन दो केसेस में ये माना जाएगा कि ये डीम्ड डिक्री हैं. यहाँ पर एक्सप्रेसली लिखा हुआ है डीम्ड. ठीक है, तो ये क्या मानी जाएंगी, डीम्ड डिक्री मानी जाएंगी. कि जो रिजेक्शन ऑफ प्रिंट होता है, रिजेक्शन ऑफ प्रिंट कहाँ दिया हुआ है हमें, ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया हुआ है. इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए ऑर्डर 7 रूल 11 में एक लिस्ट हमको दिया हुआ है ए टिल एफ. ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, लाइक The cause of action has not been disclosed in a plaint, or the proper court fees has not been filed, or the proper stamp paper has not been put on the plaint, or the plaint has not been filed in duplicate, etc., etc. अगर कुछ ऐसे mistakes हैं आपकी plaint में, ठीक है, तो आपकी plaint को court reject कर सकता है. In that case, you can file the fresh suit again. ठीक है, तो ये हमको कहा दिया हुआ है ऑर्डर 7 रूल 11 में. अगर आपकी प्लेंट में, सूट में कुछ कमियां हैं, ठीक है, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकता है. ये कहा दिया हुआ है ऑर्डर 7 रूल 11 में. रेस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, रेस्टिट्यूशन मतलब फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपके मेरे बीच में एक मनी डिक्री आ चुकी है, लेट सपोज इट इज मी हु हैज टू पे 50 लाख रुपीज टू यू. ठीक है, कोर्ट ने ये डिक्री दे दिया है, तो मुझे 50 लाख देने, आई पेड यू 50 लाख रुपीज, बट विद द सेम टाइम आई ऑल्सो वेंट टू द अपील. अपेलेट कोर्ट में जब हियरिंग हुई तो अपेलेट कोर्ट ने ये कहा कि मुझे 50 लाख नहीं देने हैं, ओनली 30 लाख रुपीज़ का डैमेजेस बनता है. दैट मीन्स आई हैव पेड यू 20 लाख एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं 50 लाख आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ. तो आप जो मुझे 20 लाख रुपीज़ वापस करोगे, 50 लाख माइनस 30 लाख, तो जो 20 लाख आपने मुझे रिटर्न किया, दैट विल बी कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 144 ऑफ CPC. सेक्शन 2 क्लॉज 2 की जो डीम्ड जो डिक्री की डेफिनेशन दे रखी है, वो ये कह रही है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेन और रेस्टिट्यूशन क्या कहलाता है, डीम्ड डिक्री कहलाता है. कई बार ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, व्हाट इज डीम्ड डिक्री, मे बी दे मे आस्क इन 2 or 3 मार्क्स इन मेंस. तो आपको सिर्फ ये दोनों ही मेंशन करना है, और अगर पीटी में भी आता है प्रीलिम्स में, तो रिजेक्शन ऑफ प्लेन और रेस्टिट्यूशन वाला जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ा कि भाई डिक्री क्या होती है, मैंने आपको ये बता दिया कि डिक्री जजमेंट से कैसे डिफरेंट होती है, डिक्री ऑर्डर से कैसे डिफरेंट होती है, और डीम डिक्री क्या होती है. लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्या बचता है अभी, टाइप्स ऑफ डिक्री. टाइप्स ऑफ डिक्री भी हमको डिक्री की डेफिनेशन में ही दी हुए हैं. जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, डिक्री कैन बी अ प्रिलिमिनरी, कैन बी अ फाइनल, एंड कैन बी अ पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल. तो पहले प्रिलिमिनरी और फाइनल समझते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. फॉर एन एग्जांपल, लेट सपोज एक ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया. सूट किस लिए फाइल किया है, पार्टीशन के लिए. या आप इसको ऐसे ले लो कि देयर इज वन फादर और इसके ये दो बेटे हैं FS एंड FS1. ठीक है, FS1 जो छोटा बेटा है उसने कहा कि मुझे पापा पार्टीशन करना है, आई वॉन्ट माई शेयर इन अ प्रॉपर्टी, जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें मुझे मेरा शेयर चाहिए. ठीक है, तो अब पार्टीशन सूट जो है वो फाइल हो चुकी है, तो कोर्ट पहले क्या देखेगा, कोर्ट ये देखेगा कि भाई FS1 F का बेटा है या नहीं, एंड वेदर ही इज अ को पार्टनर इन अ प्रॉपर्टी और नॉट, पहले कोर्ट ये देखेगा. अगर ये को पार्टनर होगा तो कोर्ट क्या कहेगा, यस FS इज एंटाइटल्ड टू पार्टीशन. तो पहला क्या कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, FS इज एंटाइटल्ड टू पार्टीशन. तो ये तो एक बात हुई ना, ये तो एक बात हुई, लेकिन उस पार्टीशन में FS को कितना हिस्सा मिलेगा. अब क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के तीन हिस्से हो रहे हैं, लेट सपोज एफ, FS एंड FS1, लेकिन ये जो शेयरिंग हुई है ये अभी यहाँ पर थोड़ी ना हुई है. यहाँ पर तो कोर्ट ने कहा है कि FS1 इज एंटाइटल्ड टू पार्टीशन, पॉइंट इज हाउ मच शेयर FS1 गेट एंड इन, मतलब उस प्रॉपर्टी में कौन सा हिस्सा FS1 को मिलेगा, वो तो अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा.
राइट। तो ये जो आफ्टर कैलकुलेशन कोर्ट ने लेट सपोज यही डिक्लेयर किया, ठीक है, ये कहा कि भाई एफ एस वन का जो हिस्सा है वो ये वाला, ये एफ एस वन को मिलेगा। तो यहाँ पर दो तरीके के दो डिक्रीज आ रही हैं। पहली आ रही है दैट एफ एस वन इज एंटाइटल टू पार्टीशन दिस गोइंग टू बी द प्रिलिमिनरी, और यहाँ पे ये इतना हिस्सा एफ एस वन को मिलेगा, ये क्या हो गई अपनी फाइनल डिक्री, ये हमारी हो गई फाइनल डिक्री। तो डिक्री क्या होती है, दो तरीके की होती है, प्रिलिमिनरी और फाइनल। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट एक डिक्री पास कर देता है लेकिन अभी भी कुछ कैलकुलेशंस बचते हैं, और उन कैलकुलेशंस के बाद जब दूसरी बार वो अपनी डिक्री देता है तो हम उसको फाइनल कहते हैं, और जो उसने पहले दे दिया उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री, ठीक है। नाउ तो हमने जो है लाइकवाइज यहाँ पर प्रिलिमिनरी और फाइनल ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हाट इज पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, इसको भी एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं, दैट गोइंग टू बी बेटर। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज ए ने बी के अगेंस्ट में एक सूट फाइल किया और इसमें ही हैज क्लेम्ड द पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड ही इज आस्किंग फॉर मिसने प्रॉफिट। आई होप यू ऑल नो द मिसने प्रॉफिट। मिसने प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट विच द पर्सन हैज अर्नड ड्यूरिंग द रॉन्गफुल पोसेशन। अगर मान लीजिए बी ने जो पोसेशन जबरदस्ती ए से ले लिया है और उस दौरान जो भी प्रॉफिट्स उसने अर्न करे, तो बी तो रॉन्गफुल पोसेशन में ही है ना, तो जो प्रॉफिट्स अर्न करे, ए कह रहा है मुझे वो प्रॉफिट्स भी वापस चाहिए। अब हियरिंग स्टार्ट हुई, कोर्ट ने क्या किया, एविडेंसेस लिए, ए ने अपने एविडेंसेस दिए, बी ने अपने एविडेंसेस दिए। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि बी को कहा टू जो भी आपने डिसपोसेस किया है वो पोसेशन आप वापस ए को दे दीजिए, गिव पोसेशन बैक टू ए, ए इज अ प्लेंटिफ। तो ये क्या हो गई, एक डिक्री हो गई, ये प्रिलिमिनरी है, फाइनल है, दिस इज द फाइनल डिक्री, क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं बचा है। मेरा एक कमरे पर उसने कब्जा कर लिया, कोर्ट ने कहा कि इस कब्जे को आप वापस कर दीजिए, आप कब्जा मत करिए वहाँ से, हटिए वहाँ से, तो पूरा कमरा मेरे पास आएगा, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो दिस इज द फाइनल डिक्री। अगर मैं और एंड देन फिर कोर्ट ने कहा कि ए इज एंटाइटल्ड टू मिसने प्रॉफिट, तो मिसने प्रॉफिट के लिए मैं एंटाइटल्ड हूँ, राइट, आई एम एंटाइटल्ड टू मिसने प्रॉफिट, लेकिन हाउ मच मिसने प्रॉफिट दैट द कोर्ट हैज टू कैलकुलेट ना। तो उस कैलकुलेशन के बाद कि इस लेट सपोज एक साल में कितने प्रॉफिट्स अर्न करे बी ने, डिफेंडेंट ने, तो वो प्रॉफिट्स कोर्ट कैलकुलेट करेगा और उसके बाद एक अमाउंट देगा, लेट सपोज 20,000 रुपीज का उसने मिसने प्रॉफिट बोला। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आई एम एंटाइटल टू मिसने प्रॉफिट इज द प्रिलिमिनरी, और मुझे मिसने प्रॉफिट 20,000 के मिलेंगे, ये मेरी क्या हो गई, फाइनल डिक्री। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इसको पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, तो मेरी ये वाली जो डिक्री है पोसेशन वाली, ये तो मेरी पूरी फाइनल हो गई, पार्टली फाइनल है ये, और मिसने प्रॉफिट वाली क्या हो गई, पार्टली प्रिलिमिनरी, और बाद में वो फाइनल आ गई मेरी, है ना। तो दिस इज हाउ द डिक्री कैन बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, ठीक है। हमारे इस एग्जांपल में जो ये प्रॉफिट वाला है, सॉरी पोसेशन वाला है, ये तो हमारा हो गया फाइनल, और मिसने प्रॉफिट वाली जो है आधी प्रिलिमिनरी है और आधी फाइनल, क्लियर। आई होप दिस इज कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब एक और पॉइंट है कि डिक्री क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट अ डिक्री, दिस इज अगेन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 इटसेल्फ, जो हमें सीपीसी में दिया हुआ है। देखिए लेट्स बैक टू द डेफिनेशन, देखिए बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर एंड इफ देयर इज अ ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। तो अगर जो लिस्ट हमें दी हुई है जहाँ से ऑर्डर से अपील जा सकती है, वो लिस्ट हमको दी हुई है
ऑर्डर 43 में, विच कैन बी रेड विद सेक्शन 104। और अगर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट की मैं बात करूँ तो ऑर्डर 9 में हमें दिया हुआ है जहाँ पर डिसमिसल हो सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसमिसल? डिसमिसल देखिए मतलब होता है जब केस कोर्ट ने मेरिट्स पर डिसाइड किया है और प्लेंटिफ के फेवर में नहीं दिया है। लेट सपोज मैंने केस फाइल किया था कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी से गलत तरीके से बाहर निकाल दिया, आई वॉन्ट माई पोसेशन बैक। बट लेट सपोज कोर्ट ने कहा दैट आई वॉज नॉट एंटाइटल टू दी पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो मैं प्लेंटिफ हूँ, तो कोर्ट ने मेरे फेवर में जजमेंट नहीं दिया, दैट मीन्स कोर्ट हैज़ डिसमिस द केस ऑन मेरिट्स। लेकिन एक तरीके का डिसमिसल हमें टेक्निकल ग्राउंड्स पर भी दिया हुआ है, जो हमें ऑर्डर 9 पर दिया हुआ है, विच इज़ एक्सप्रेसली टॉकिंग अबाउट द केसेस वेयर द पार्टीज आर नॉट अपियरिंग ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। तो अगर पार्टीज फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर अपियर नहीं होती हैं तो कोर्ट क्या कर सकती है, केस को डिसमिस कर सकती है, और उसको कहते हैं डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट। और अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई रिटर्न ऑर्डर पास हुआ था, मतलब कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए अपील में जब चले गए, ठीक है, या कोई भी मैटर जो बीच में पास हुआ, इंजंक्शंस नहीं दिया मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन, तो मैं अपील में चली गई, तो मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डर से अपील में जा रही हूँ, डिक्री से नहीं जा रही हूँ, ऑर्डर से अपील में जा रही हूँ। तो मैं ऑर्डर से अपील में जो जा सकती हूँ, पर मैं उन्हीं सिचुएशन में जा सकती हूँ जो सिचुएशन हमें ऑर्डर 43 की लिस्ट में दिए हुए हैं। देयर इज अ बिग लिस्ट अंडर ऑर्डर 43, यू कैन रीड देयर। अगर इस लिस्ट में से ऑर्डर ऐसा है जो अपील में जा सकता है तो वो डिक्री नहीं कहलाता है, सो दैट इज नॉट अ डिक्री। तो ऑल ओवर मैंने ये अपना पूरा टॉपिक कवर अप कर लिया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। अगर अभी भी कोई आपको डाउट लगता है और आप अगर पूछना चाहते हैं तो यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई मेक श्योर दैट आई विल कम विद सच कॉन्सेप्चुअल वीडियोज टू यू, एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।